नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे WTC फाइनल के दूसरे दिन और तीसरे दिन के खेल का पूरा हाल, जहां पर दूसरे दिन भारतीय टीम ने टॉस हार कर भी न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेने के लिए कदम बढ़ा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज टीम इंडिया ने WTC फाइनल का पहला दिन अपने नाम कर लिया है और टॉस जीतकर भी न्यूजीलैंड इसका फायदा नहीं उठा पाया। दोस्तों, आपको बताएंगे दूसरे दिन का पूरा खेल का वीडियो, साथ ही आपको बताएंगे आज तीसरे दिन टीम इंडिया कैसे न्यूजीलैंड को घुटने के बल लाएगी, बताएंगे पूरी खबर, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आखिरकार आज शुरू हो गया है। साउथहैम्पटन में शुक्रवार 18 जून से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन बारिश के कारण पहला दिन पूरी तरह से धुल गया था। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी पहली बार इंग्लैंड में ओपनिंग करने उतरी और दोनों ने अच्छी शुरुआत करते हुए 62 रन जोड़े। पहले सेशन में रोहित और शुभमन गिल ने काफी अच्छी शुरुआत की और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई मौके नहीं दिए। दोनों ने पहले 1.5 घंटे में 62 रनों की साझेदारी करके न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ढकेल दिया था। दोस्तों, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय ओपनरों के लिए चुनौती आसान नहीं थी। हालांकि कीवी गेंदबाज इसका फायदा नहीं उठा सके। रोहित और शुभमन गिल ने भारत के लिए पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े। दोस्तों, गेंदबाजों की मदद वाली पिच पर न्यूजीलैंड ने 5 तेज गेंदबाज खिलाए हैं और इसीलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया ताकि नमी का फायदा उठाए। लेकिन तारीफ करनी होगी भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रोहित और शुभमन दोनों ने स्विंग होती गेंदों का बखूबी सामना किया। हालांकि पहले सेशन की आखिरी आधे घंटे में भारत ने दोनों के विकेट गंवा दिए और लंच तक भारत ने 2 विकेट खोकर 69 रन बनाए, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड वापसी करने में कामयाब हो गया। रोहित शर्मा के रूप में भारत को पहला झटका लगा। रोहित ने 34 रन बनाए तो शुभमन गिल ने 28 रनों का योगदान दिया। दोस्तों, लंच के बाद भारत को अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। कोहली और पुजारा ने काफी देर तक पारी को संभाले रखा, लेकिन मिस्टर भरोसेमंद चेतेश्वर पुजारा 36 गेंद में खाता खोलने के बाद भी 54 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट ने लंच के बाद अपने पहले ही ओवर में पुजारा को LBW आउट कर दिया और भारत ने 88 रन के स्कोर पर ही तीसरा विकेट खो दिया। तो ऐसे में कप्तान विराट कोहली ने जुझारू पाली खेलते हुए टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया और उनका साथ दिया उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने। दोस्तों, दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन साउथहैम्पटन में मौसम लुका छिपी खेल रहा था और खराब रोशनी के कारण मैच को बार बार रोकना पड़ रहा था। लेकिन कोहली और रहाणे की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और कीवी गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया। अब दोस्तों, भारतीय टीम को आज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 300 रनों तक पहुंचना होगा, खासकर ऋषभ पंत और कोहली को अच्छी पारी खेलनी होगी। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड पर दबाव भारत के दोनों स्पिनर अश्विन और जडेजा तो बनाएंगे ही, साथ में बुमराह और शमी की घातक गेंदबाजी से कीवी पूरी तरह धराशाही हो जाएंगे।